मात्र 15 दिन में आपका लटका हुआ पेट अंदर हो जाएगा। चाहे वो डिलीवरी के बाद का बढ़ा हुआ फैट है या नॉर्मल डेज की वजह से या आपके किसी भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम PCOS, PCOD, थायराइड या फिर आपके अनहेल्दी डाइट की वजह से आपका पेट किसी भी रीजन से लटका हुआ है तो आपको बहुत अच्छा इंच लॉस मिलने वाला है, स्पेशली अपने बेली एरिया पे। 15 डेज चैलेंज है, मेरी आवाज का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेरी इन ट्रिक्स में भी उतना ही दम होगा। तो मेरा चैलेंज कौन कौन एक्सेप्ट करता है #ishamhera मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में और इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पे पीठ के बल लेट जाना है, ठीक है। हम करेंगे क्रंचेस। क्रंचेस के लिए उसके बाद में आपने क्या करना है, अपनी लेग्स को फोल्ड करना है लाइक दिस। अगेन आपने अपने हैंड्स को उसके बाद में हेड पर रखना है इस तरीके से। देन अपनी बॉडी को हाफ लिफ्ट करना है और जब ऊपर लेकर आ रहे हैं ब्रीथ आउट, जब नीचे जा रहे हैं तो ब्रीथ इन। ट्वेंटी टाइम्स हम इसे परफॉर्म करेंगे। रिलैक्स। हम इसके राउंड्स करेंगे 4। 20 टाइम्स आपने किया, 10 सेकंड्स का ब्रेक, अगेन 20, अगेन 20, ऐसे हम 4 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपने करना है रशियन ट्विस्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये। इसके लिए आपने इस तरीके से अपने पैरों की जो हील्स है उसको मैट पे रखना है और अपने टोस को अपसाइड रखना है। उसके बाद में आपने वन साइड यहाँ, देन अदर, ये होगा आपका 1, ठीक है। जब हम इस साइड जा रहे हैं ब्रीथ आउट, बीच में आ रहे हैं ब्रीथ इन। पेट को आपने खींच के रखना है, जितना लूज छोड़ देंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे आपको मैंने पहले बताया। 20 हम इसके रिपीटेशन करेंगे, राउंड्स करेंगे हम इसके 4, ठीक है। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको प्रॉपर पीठ केवल इस तरीके से लेट जाना है, अपने हैंड्स को बैक साइड पे लेके जाना है और उसके बाद में अपनी बॉडी को पूरा लिफ्ट करते हुए अपने टोस को टच करना है। कैसे देखिए, लाइक दिस, और इसको हम करेंगे 20 टाइम्स, ठीक है। और इसके हम करेंगे 4 राउंड्स। जब आप ऊपर आ रहे हैं तो ब्रीथ आउट, जब आप नीचे जा रहे हैं तो ब्रीथ इन। इस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपने फीट्स ओपन कर लेने हैं, देन उसके बाद आपने ऑपोजिट साइड टो टच करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लोअर टमी अपर टमी के लिए। 20 टाइम्स हम इसे रिपीट करेंगे, 4 राउंड्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम करने वाले हैं जंपिंग स्क्वाट्स। जंपिंग स्क्वाट्स से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके, स्पेशली लोअर बेली में, जो हम कहते हैं ना डिलीवरी के बाद बढ़ गया और कम नहीं हो रहा, तो वो 101% होता ही होता है। कैसे करना है जंपिंग स्क्वाट देखिए। जंप स्क्वाट, ठीक है। जब नीचे जा रहे हैं ब्रीथ आउट, ऊपर आ रहे हैं तो ब्रीथ इन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो गाइज आई होप कि आपको मेरी ये 2 ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज इसको आजमाएं, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको फॉलो करें और अपने जो बहुत ज्यादा पेट हमारा बाहर आ गया है उसको अंदर कर सकें, ठीक है। ऐसी हमेशा ईशा आपके लिए कुछ नया लाती रहेगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।